वेलकम टू रजा टेक वेव गाइस। एक भाई हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, वो पूछते हैं कि एडीसीबी हयाक अभी भी जीरो बैलेंस अकाउंट है या नहीं। ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इस सवाल के साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे ऐसे सवालों का जवाब देने वाला हूँ जो आप लोग को सुनकर के काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। गाइस सबसे पहली चीज़, एडीसीबी हयाक अकाउंट जिन लोगों ने पहले खोला था, अभी भी वो अकाउंट सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरा सवाल, अगर अभी आपको एडीसीबी हयाक अकाउंट ओपन करना है तो ये ज़ीरो बैलेंस रहेगा या चार्जेस है। तीसरी चीज़, अगर आपने कभी ट्राई किया था या आपके पास बैंक अकाउंट पहले था, अभी अगर फिर से वापस एडीसीबी हयाक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन कर पाएंगे या नहीं। ऐसे कई सारे सवाल थे जो मैं आपको बताने वाला, लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि जो भाई ने कमेंट किया था कि एडीसीबी हयाक अभी भी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है या नहीं है, तो यस, ये अभी भी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। और ज़्यादा नहीं, मैं ख़ुद, मेरे पास एक एडीसीबी हयाक का अकाउंट मैंने ओपन किया था जिसमें अभी भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप पैसे डालो या नहीं डालो, सैलरी ट्रांसफ़र करो या मत करो, एक भी दिरहम मेरे अकाउंट से नहीं कटते। मैंने इस अकाउंट को ओपन किया था और ये वीडियो मैंने बनाई थी जब भी मैंने ये अकाउंट ओपन किया था, तो अगर आप चाहते तो ये वीडियो जा कर के देख सकते हैं। ये एडीसीबी का करंट अकाउंट है जिसको हम डिजिटल अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये अकाउंट मैंने ओपन किया था एडीसीबी हयाक से अपने घर बैठे मोबाइल के थ्रू, तो इसको देख करके ये वीडियो को आप आराम से अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दूसरी चीज़, एडीसीबी हयाक अकाउंट अभी भी ज़ीरो बैलेंस है या नहीं, तो यस, हाँ, ये अभी भी ज़ीरो बैलेंस है, लेकिन हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से कुछ लोगों का बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, तो इस पर काफ़ी मैंने वीडियोस बना रखी है। लेकिन हाँ, एग्जैक्ट अगर आपको मैं बोलूँ कि ये क्यों ओपन नहीं हो रहा है, तो एक ही चीज़ समझ आया है कि अगर आप पहले एडीसीबी बैंक में आपका अकाउंट था या आपने पहले कभी एडीसीबी बैंक के साथ में अकाउंट ओपन किया था, तो उस केस में ये जो है अकाउंट ओपन नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, किसी किसी लोगों का एम्ब्रेस आईडी स्कैन नहीं होता है, किसी किसी लोगों का जो है पासपोर्ट स्कैन नहीं होता है। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आई थी जिस पे भी मैंने कई बार वीडियो बना रखी है, और ये वीडियो बनाए हुए भी मुझे एक से दो साल हो रहे हैं। तीसरी चीज़, अगर अभी आप ओपन करना चाहते हो तो एडीसीबी हयाक अकाउंट ओपन कर सकते हो या नहीं, तो गाइस जैसा मैंने बताया था कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसको देख करके आप सेम टू सेम फॉलो करके आप एडीसीबी हयाक अकाउंट तो बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पहले के कंपैरिजन में जब मैंने वीडियो बनाई थी अभी चेंज हो चुकी है। तो उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव गूगल से सर्च करके, या तो आप खुद अगर समझदार हैं तो पढ़ करके आप अकाउंट अभी भी बना सकते हैं। क्योंकि अगर ये अकाउंट बंद होता तो इनकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती, मैं खुद अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास भी कम से कम ईमेल आता या कुछ ना कुछ मैसेज आता कि आपकी इस अकाउंट की प्रॉब्लम है, आप इसको जो है मिनिमम सैलरी मेंटेन करने वाला है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुआ होता। लेकिन आज की डेट में एक भी मैसेज एडीसीबी हयाक की तरफ से नहीं आया है, ना ही मेरा एक भी दरम एडीसीबी हयाक में कटा है अब तक। कुछ बार कई महीने ऐसे होते हैं जब मैं छुट्टियों जाता हूँ तो उस पर सैलरी भी नहीं आती है, लेकिन अभी तक एक भी दरम कट नहीं किया गया है। इनका डेबिट कार्ड भी अच्छे तरीके से चल रहा है, इनका मोबाइल बैंकिंग ऐप भी अच्छे तरीके से चल रहा है, और एडीसीबी बैंक में जिन लोगों का अकाउंट है, आपको पता होगा कि एडीसीबी इज़ अ वेरी गुड बैंक। तो ये रहे तीन सवाल, तीनों के जवाब। इसके अलावा अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा। और दूसरी चीज़, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, एक चीज़ है जो एडीसीबी हयाक के साथ में प्रॉब्लमेटिक थी, जो पहले भी थी अभी भी है, वो क्या चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोशिश करते हो लेकिन आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपका एम्ब्रेस आईडी स्कैन नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है आपका पासपोर्ट स्कैन नहीं होता है। तो इन तीन ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से काफ़ी सारे लोग इसमें अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाए, लेकिन जिन्होंने अकाउंट क्रिएट किया है वो आज भी इस बैंक को आसानी से यूज़ कर रहे हैं। तो हो सकता है ये जो तीन प्रॉब्लम्स बताई, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो सकता है कि आप आसानी से अकाउंट ओपन भी कर सकते हो। तो ये टोटली जो है इन मिजरेबल चीज़ें हैं, इस पर कोई भी तरीके का कंक्लूजन लगाना या इन तीन चीज़ के कोई भी प्रॉब्लम में कोई भी सोल्यूशन बताना, वो एक तरीके का एक्सक्यूज़ होगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।